क्लास टेंथ के ये प्रोज है, उसके फर्स्ट लेसन द एन्चांटेड पूल। द एन्चांटेड पूल रिटन बाय सी राजगोपालाचारी। इस लेसन का एक्सप्लेनेशन और सारांश का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन विद्यार्थियों ने डिमांड किया कि सर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन समझाइए। तो लीजिए विद्यार्थियों, यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, जंगल में भटकते हुए जब पांडवों को एक दिन बहुत तेज प्यास लगी, वो 13 वर्ष के वनवास में थे जब, तो एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से एक एक करके पानी लाने को कहा। तो नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम करके जब सब चले गए, कोई लौट के नहीं आया। ये लेसन यहाँ से शुरू होता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, अनेबल टू बियर दी थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ही गिव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। विद्यार्थियों, ये शुरुआत का फर्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ पे कुछ अंडरलाइन मैंने किए हैं रेड कलम से, रेड पेन से। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको मैं समझा देता हूँ। जैसे एंग्जाइटी, एंग्जाइटी स्टूडेंट्स होता है जैसे फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन या तो अनिश्चितता एंड फियर, डर की भावना। यानी इसको हिंदी में कहें तो एक शब्द हो सकता है दुश्चिंता। नेक्स्ट शब्द है सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड है जैसे कि कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसी के प्रभाव में आना, यानी कि यहाँ जो अर्थ निकलेगा शिकार होना। एक शब्द है यहाँ पे कर्स। कर्स का तात्पर्य है अभिशाप, इंग्लिश में इसको बैन, BANE शब्द भी कह सकते हैं। और उसके बाद इधर है फेंटेड। फेंटेड का अर्थ होता है बेहोश हो गया है, बी कैम अनकन्सियस, ठीक है, अर्थात बेहोश हो गया। चलिए इसको समझने कोशिश करते हैं। युधिष्ठिर ने इंतजार किया किसका? फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का। केस में डर में, चिंता में, घबराहट में, और इधर प्यास भी लग रही थी, थर्स्ट का मतलब प्यास। और उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने लगे, चूँकि ये एंग्जाइटी वाली बात थी। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, दे कौन, उनके भाई, क्या वो कहीं ऐसा तो नहीं शिकार हो गए हों किसी अभिशाप, किसी श्राप के? और आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर अभी तक भटक ही रहे हैं किसमें, फॉरेस्ट में, किसकी तलाश में, वाटर की। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेहोश हो गए हों या प्यास से मर गए हों। सो दीज वेयर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच जस्ट एरोज इन हिज माइंड, यू नो, व्हेन समवन इज देयर इन वरी और एंग्जाइटी, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी नेचुरल टू कम इन वंस माइंड। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, जब ये विचार को सहन नहीं कर पाए, इन विचारों को जो उनके दिमाग में आ रहे थे, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और इधर किससे व्याकुल थे, तीव्र प्यास, वो वेरी स्ट्रॉन्ग, ओवर पावरिंग यर मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्यास होने लग रही थी, तो उन्होंने गेव अप वेटिंग, इंतजार तो उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर, और निकल पड़े तलाशने के लिए, लुक फॉर यानी तलाशने के लिए अपने भाइयों को और उस तालाब को, ये सोचते हुए कि अगर तालाब मिल गया तो यही उन्होंने होप की, यही आशा की, ही माइट फाइंड देम, तो देम कौन, उनके भाई भी वहीं मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो अराउंड ऑफ ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। युधिष्ठिर ने प्रोसीड, या प्रोसीड के तात्पर्य यहाँ पे है वेंट फॉरवर्ड, यानी किधर को गए, चलते चले गए, आगे बढ़ते गए, किधर बढ़ते गए, उसी डायरेक्शन में उनके भाई जिधर गए थे। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जो दिशा उनके भाइयों ने पकड़ी थी उसी दिशा में वो भी चल पड़े। कैप्टन, कैप्टन का मतलब जारी रखा, वॉकिंग करना यानी चलना, थ्रू ट्रैक्स, ट्रैक्स का तात्पर्य यहाँ पे है जैसे कह सकते हो आप पाथ, ठीक है, पगडंडियाँ, ठीक है, उन्हीं पगडंडियों, उसी रास्ते पर चलने लगे जो फुल ऑफ वाइल्ड बियर, किससे भरे थे, जंगली रास्ते भालुओं से, स्पॉटेड डियर, चित्तीदार स्पॉट जिन पे होते हैं डियर, हिरन, बिग फॉरेस्ट बर्ड और बहुत सारी अन्य बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाँ, अन्य जंगली जानवर। और चलते रहे टिल ही कैम, और कब तक, जब तक वह न पहुँच गए कहाँ पर, ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर सा हरा भरा मीडो, यानी मीडो का क्या अर्थ है समझ मारा, ये है ग्रीन ग्रास का जो फील्ड होता है, फील्ड ऑफ ग्रीन ग्रास, ठीक है, एक हरे भरे मैदान जो था वहाँ पहुँचे। और वो मैदान कहाँ है,
अराउंड एक पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक साफ पानी का तालाब है, उसके चारों तरफ वो हरा भरा घास का मैदान है। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को वहाँ क्या देखा पानी के पास, कि लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, उनके भाई तो वहाँ ऐसे पड़े हैं मानो झंडे का डंडा हो। यहाँ फ्लैग पोल्स का तात्पर्य है, झंडे का डंडे का तात्पर्य है जैसे लॉग, कोई लट्ठा होता है एलोजी, जैसे कोई निर्जीव। अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, फिर जब वह अपने दुख को नियंत्रित नहीं कर पाए, जब उन्हें इस तरह से पड़ा हुआ देखा, तो रेस्ट्रेन का मतलब है कंट्रोल करना, टू चेक, नियंत्रित करना, तो वह अपने ग्रीफ यानी दुख को नियंत्रित नहीं कर पाए, नियंत्रित करने में असमर्थ रहे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उनके गले से तेज आवाज निकली और वो रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा जैन अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्न्ड, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज, जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, यू हैव बीन टेकन अवे, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। ही टच्ड, उन्होंने टच यानी कि छू करके देखा चेहरे किसके, भीम और अर्जुन करके देखा। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, और वो कैसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल स्टिल, बिना हिले डुले, साइलेंट, शांत। एंड मोर्न, और फिर वो मोर्न, मोर्न यानी लामेंटेड, और वो उस तरह से विलाप करने लगे। विलाप करना जानते हो, रोते रोते कुछ कहते जाना। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज, क्या यही अंत था, क्या यही अंत होना था हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का। वोज यानी प्लेजेस, PLEDGES, प्लेज या रिजोल्यूशंस है ना, शपथ या प्रतिज्ञाएं। वो कहने लगे, हम सब ने जो प्रतिज्ञाएं की थी किस तरह से बदला लेना है दुर्योधन और उसके अन्याय का, तो बोले क्या यही अंत होना था हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अब जबकि हमारा एग्जाइल यानी बनवास, बैनिशमेंट, ये NISHMENT कह सकते हो, बैनिशमेंट, ठीक है, जबकि हमारा वनवास जो है वो भी अबाउट टू एंड, खत्म होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम हमसे छीन लिए गए, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे त्याग दिया। फॉरसेकन यानी त्याग दिया मीन लेफ्ट, इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे बुरे समय में। यहाँ मिसफॉर्च्यून का तात्पर्य हो सकता है एडवर्सिटी, ठीक है बेटा, कैलेमिटी, CALAMITY, ठीक है, इस तरह के शब्द हो सकते हैं। तो यानी वो विलाप करते हुए कह रहा है ये सारी बातें। एज ही लुक देयर माइटी लिम्स, और जब उन्होंने उनके ताकतवर, चलिए पूरा इंग्लिश में पढ़ देते हैं, एज ही लुकड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। देन ही टू डिसेंडेड इन टू द पूल, ड्रोन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड। फिर जब उन्होंने देखा उनके ताकतवर अंगों को, किनके, अपने भाइयों के, यहाँ अंग लिम्स का तात्पर्य है उनकी भुजाएं, उनके पांव, उनके आर्म्स एंड लेग्स से तात्पर्य है। जब उन्होंने उनके ताकतवर भुजाओं को देखा, उनके ताकतवर शारीरिक अंगों को देखा, और क्या देखा, सो हेल्पलेस, इतने असहाय पड़े हैं, ही सैडली वंडर, उन्हें दुख भी हुआ, आश्चर्य हुआ, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, इतना ताकतवर था कौन जो इन्हें मार गया। देन ही टू डिसेंडेड, और फिर क्या हुआ, वो भी खुद भी गॉट डाउन, डिसेंडेड यानी गॉट डाउन, उतर गए किसमें, तालाब में, क्यों, ड्रोन टू द वाटर, पानी ने खींच लिया, कैसे खींचा, ओवर पावरिंग थर्स्ट, इतनी तेज प्यास जो लग रही थी, क्यों, उन्होंने कहा तो रोना तो है ही, गला जो सूख रहा था प्यास से, उन्हें कहा थोड़ा पानी ही पी लें। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म बार्न, ठीक उसी वक्त एक आवाज़ जिसकी कोई शरीर नहीं था, फॉर्म नहीं था, उसने उन्हें वार्निंग दी, चेतावनी दी, क्या कहा, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिडंट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने हीड यानी पे अटेंशन, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, डिडंट पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, मेरे वार्निंग पर, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना। डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम बुझा सकते हो, सेटिस्फाई, क्वेंच यानी सेटिस्फाई, SATISFY, तब बुझा सकते हो अपनी प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, बिलोंग यानी रिलेटेड, यह तालाब किससे संबंधित है, मुझसे यानी, यह तालाब मेरा है। इट डिडंट टेक एडिस्टर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, एंड गेस्ट दैट ही है What had happened to his brothers? It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." It didn't take Yudhishthir a moment. एक पल भी नहीं लगा युधिष्ठिर को to understand, ये समझने में, क्या कि ये किसी और के शब्द नहीं है, कोई और, none other, कौन, birds of a यक्षा, किसी यक्ष के शब्द हैं। और guess, उन्होंने अनुमान लगा लिया, उन्होंने suppose कर लिया, thought, मैंने विचार कर लिया that
वॉट हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों को क्या हुआ होगा, अर्थात इन्होंने वार्निंग दी होगी भाइयों ने अपने अहंकार में, उनको नहीं सुना होगा, अनसुना किया होगा। इट टुक हिम नो टाइम, हाँ उन्होंने जरा सा समय नहीं इस बात में भी लगाया कि उन्होंने कहा पॉसिबल वे, अभी भी संभव एक रास्ता बचा हुआ है ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को वापस जीवन में लाने का। तो ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वह उस शरीर रहित आवाज़ से बोले प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आप अपने सवाल पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और फिर उस आवाज़ ने तेजी से रैपिडली फास्टली स्विफ्टली एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना शुरू किया। अगला पार्ट बाद में।